हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 3 सिलेक्टेड स्मार्टफोनों के बारे में, जिनका बजट आपको 20,000 के आसपास देखने को मिल जाएगा, जिनके अंदर आपको किसी फीचर को लेकर कंप्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा। फ़ोन के अंदर आपको काफ़ी अच्छी डिज़ाइन देखने को मिलेगी, काफ़ी अच्छे फीचर देखने को मिल जाएंगे, काफ़ी अच्छा तगड़ा पावरफुल चिपसेट देखने को मिलेगा, साथ ही में आपको काफ़ी अच्छा कैमरा देखने को मिलेगा, OIS की सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगी। ओवरऑल सारी फीचर फ़ोन के अंदर आपको एकदम नेक्स्ट लेवल के देखने को मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, इस प्राइस पॉइंट पर अगर आप एक न्यू फ़ोन बाय करने की सोच रहे हो तो आपने सही वीडियो पर क्लिक किया है। आप इस वीडियो को लास्ट तक पूरी देख लेना, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि आपको 20,000 के प्राइस पॉइंट पर कौन सा फ़ोन परचेज करना चाहिए, आपके लिए कौन सा फ़ोन बेस्ट रहने वाला है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं फर्स्ट फ़ोन के बारे में, जो कि रहने वाला वन प्लस की तरफ से वन प्लस नॉट C3 लाइट 5G। दोस्तों, इस फ़ोन के अंदर आपको काफ़ी अच्छे फीचर देखने को मिलेंगे। बात कर लेते हैं फ़ोन के डिस्प्ले के बारे में। फ़ोन के अंदर आपको 6.72 इंच का IPS LCD डिस्प्ले पैनल देखने को मिलेगा, जिसकी स्क्रीन को स्मूथ करेगा। 120Hz का रिफ्रेश रेट, 600 नीट्स की पीक ब्राइटनेस, 87.1% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो। डिस्प्ले के अंदर कोइन गोला ग्लास का प्रोटेक्शन दिया गया है। बात कर लेते हैं चिपसेट के बारे में। फ़ोन के अंदर आपको कॉलकॉम स्नैपड्रैगन 695 5G का प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा, जो कि 6 नैनोमीटर के साथ आता है, एंड्रॉइड वर्जन 13 पर बेस्ड है। ऑक्सीजन OS 13.1 का एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। साथ ही में आपको वेरिएंट के बारे में बात करें तो 128GB प्लस 8GB रैम का बेसमेंट देखने को मिल जाएगा। मेन कैमरा आपको ट्रिपल सेटअप के साथ देखने को मिलेगा। प्राइमरी कैमरा 108 मेगापिक्सल का, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ, LED फ्लैश देखने को मिलेगी मेन कैमरे के अंदर। मेन कैमरे से आप 1080p/30 वीडियो रिकॉर्ड कर पाओगे। सेल्फी कैमरा आपको सिंगल सेटअप के साथ देखने को मिलेगा 16 मेगापिक्सल का। 3.5 का जैक फोन के अंदर दिया गया है। USB की बात करें तो आपको टाइप सी देखने को मिलेगी 2.0 विद OTC कनेक्ट। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाएगा फोन के अंदर। 5000mAh की बड़ी बैटरी दी गई, जो कि सपोर्ट करेगी 67W फास्ट चार्जिंग को। 30 मिनट में आप इस फोन को 80% ईजी चार्ज कर पाओगे। फोन के अंदर आपको काफ़ी अच्छे कलर स्क्रीन देखने को मिलेंगे। फर्स्ट का जो देखने को मिलेगा पेस्टल लाइम, सेकंड जो मिलने वाला क्रोमेटिक ग्रे। अब बात कर लेते हैं फोन के एंड स्कोर के बारे में। फोन के अंदर आपको 4 लाख प्लस अराउंड एंड स्कोर देखने को मिल जाएगा। अब फाइनली बात कर लेते हैं फोन की बिल्ड क्वालिटी के बारे में। फोन के अंदर आपको बैक फ्रेम दोनों प्लास्टिक के देखने को मिलेंगे। ग्लास की प्रोटेक्शन डिस्प्ले के अंदर है। 195 ग्राम का वेट दिया गया है। 8.3mm की थिकनेस है। तो दोस्तों, इस फोन को आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं सेकेंड स्मार्टफोन के बारे में, जो कि रहने वाला सैमसंग की तरफ से, सैमसंग गैलेक्सी M34 5G। दोस्तों, इस फोन के अंदर भी आपको काफ़ी अच्छी डिज़ाइन देखने को मिल जाएगी, काफ़ी अच्छे फीचर देखने को मिलेंगे। बात कर लेते हैं फोन के डिस्प्ले के बारे में। फोन के अंदर आपको 6.5 इंच का सुपर एमोलेड डिस्प्ले पैनल देखने को मिलेगा, जिसकी स्क्रीन को स्मूथ करेगा। 120Hz का रिफ्रेश रेट, 1000 नीट्स की पीक ब्राइटनेस, 83.1% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो। डिस्प्ले के अंदर कोर गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन दिया गया है। बात कर लेते हैं चिपसेट के बारे में। फोन के अंदर आपको ऑक्टा कोर का एक्जिनोस 1280 का हाईली पावरफुल चिपसेट देखने को मिलेगा, जो कि 5 नैनोमीटर के साथ आता है, एंड्रॉइड 13 पर बेस्ड है। अब बात कर लेते हैं वेरिएंट के बारे में। फोन के अंदर आपको 128GB प्लस 6GB का बेसमेंट देखने को मिल जाएगा। मेन कैमरा आपको ट्रिपल सेटअप के साथ देखने को मिलेगा। प्राइमरी कैमरा 50 मेगापिक्सल का विद OIS के साथ, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो, LED फ्लैश देखने को मिलेगी मेन कैमरे के अंदर। मेन कैमरे से आप 4K/30 मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्ड कर पाओगे। सेल्फी कैमरा आपको सिंगल सेटअप के साथ देखने को मिलेगा 13 मेगापिक्सल का। 3.5 का जैक फोन के अंदर दिया गया है। USB की बात करें तो आपको टाइप सी देखने को मिलेगी 2.0 विद OTC कनेक्ट। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाएगा फोन के अंदर। 6000mAh की बड़ी बैटरी दी गई, जो कि सपोर्ट करेगी 25W फास्ट चार्जिंग को। बात कर लेते हैं फोन के कलर स्क्रीन के बारे में। फोन के अंदर आपको काफ़ी अच्छे कलर स्क्रीन देखने को मिलेंगे। फर्स्ट कलर जो देखने को मिलने वाला है मिडनाइट ब्लू, सेकंड जो मिलने वाला है प्रिज्म सिल्वर, और थर्ड जो मिलने वाला है बटरफॉल ब्लू। अब फाइनली बात कर लेते हैं फोन की बिल्ड क्वालिटी के बारे में। फोन के अंदर आपको 208 ग्राम का वेट देखने को मिलेगा। 8.8mm की थिकनेस है। तो दोस्तों, इस फोन को आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं सीरीज के थर्ड स्मार्टफोन के बारे में, जो कि रहने वाला है वीवो की तरफ से, वीवो T2 5G। दोस्तों, इस फोन के अंदर भी आपको काफ़ी अच्छी डिज़ाइन देखने को मिल जाएगी, काफ़ी अच्छे फीचर देखने को मिलेंगे। बात कर लेते हैं फोन के डिस्प्ले के बारे में। फोन के अंदर आपको 6.38 इंच का AMOLED डिस्प्ले पैनल देखने को मिलेगा, जिसकी स्क्रीन को स्मूथ करेगा। 90Hz का रिफ्रेश रेट, 1300 नीट्स की पीक ब्राइटनेस, 84.1% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो। बात कर लेते हैं चिपसेट के बारे में। फोन के अंदर आपको कॉलकॉम स्नैपड्रैगन 695 5G का प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा, जो कि 6 नैनोमीटर के साथ आता है, एंड्रॉइड 13 पर बेस्ड है। फ्रंट ऑफ 13 का एक्सपेंस देखने को मिलेगा। साथ ही में आपको वेरिएंट के बारे में बात करें तो 128GB प्लस 6GB रैम का बेसमेंट देखने को मिल जाएगा फोन के अंदर। मेन कैमरा आपको डुअल सेटअप के साथ देखने को मिलेगा। प्राइमरी कैमरा 64 मेगापिक्सल का विद OIS के साथ, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ, LED फ्लैश देखने को मिलेगी मेन कैमरे के अंदर। सेल्फी कैमरा आपको सिंगल सेटअप के साथ देखने को मिलेगा 16 मेगापिक्सल का। 3.5 का जैक फोन के अंदर दिया गया है। USB की बात करें तो आपको टाइप सी देखने को मिलेगी 2.0 विद OTC कनेक्ट।
अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाएगा फोन के अंदर। 4500 mAh की बैटरी दी गई है जो कि सपोर्ट करेगी 44 वाट फास्ट चार्जिंग को। 25 मिनट में आप इस फोन को 50% ईजी चार्ज कर पाओगे। फोन के अंदर आपको काफी अच्छे कलर स्क्रीन देखने को मिल जाएंगे। फर्स्ट कलर देखने को मिलेगा निट्रो ब्लैज, सेकंड जो मिलने वाला है वेलोसिटी बैब। अब फाइनली बात कर लेते हैं फोन की बिल्ड क्वालिटी के बारे में। फोन के अंदर आपको बैक फ्रेम दोनों प्लास्टिक के देखने को मिलेंगे। ग्लास की प्रोटेक्शन डिस्प्ले के अंदर दी गई है। 172 ग्राम का वेट है, 7.8 mm की थिकनेस है। तो दोस्तों फोन को आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो और इन फोन में जो ही फोन आपको ज्यादा बेस्ट लगाओ उस फोन को अपनी नीड एंड प्रोडक्ट के हिसाब से कंसीडर कर सकते हो। चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।